10 साल के सुफियान शेख ने डॉक्टर की लापरवाही से गंवाई जान। सुफियान के घर वालों ने हॉस्पिटल के खिलाफ हंगामा किया। हंगामे के बाद हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मेरा भतीजे का 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, लाल संगी में मोटरसाइकिल से पैशन क्रॉस। मेरे भतीजे को धाड़ को लेके गया, धाड़ को लेके आने के बाद डॉक्टर ने गोटे हॉस्पिटल की चिट्ठी लिख के दिया, हमने यहाँ पर भर्ती करे। यहाँ पर भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने एक्सरे एक्सरे काढ़ा, डॉक्टर ने बोला कि हड्डी में फसली में टीच है, पेशेंट अच्छा हो जाएंगे। पेशेंट ने बातचीत भी किया। फिर बाद में 3 बजे मेरा भाई यहाँ, जब हम लोग सब चले गए तो मेरा भाई था यहाँ पर एक, और उसका मामू था, तो लड़के को उल्टी और हिचके ले रहा हूँ। तो मेरा भाई जब बुलाने के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर को कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, 10-15 मिनट के बाद आएंगे। मेरा भाई फिर 10-15 मिनट के बाद गया, तो डॉक्टर साहब कुछ आए नहीं, उसमें हो गई बच्ची की डेट। ये बच्ची है डॉक्टर साहब की लापरवाही की वजह से। और जब डेट हो गई है तो मेरे भाई को बोलते हैं कि तुम सरकारी दवाखाने में लेके जाओ। मेरे भाई का मेरे को कॉल आया, मैंने बोला तुम वहाँ से पेशेंट लेके मत जाओ, मैं बस 2 मिनट में आया। तो मेरे को सागवानी से यहाँ तक आने के इतने में उसने पेशेंट सरकारी अस्पताल में भेज दिया, और वो भी ऐसा भेजा कि ज़बरदस्ती पहले पेशेंट को बाहर निकाला। मेरा भाई नहीं जा रहा, तो बोले मेरे बड़े आने वाले, चचा है, अब्बा है, सब आने वाले, बोले तो उनके साथ में जाएंगे हम, वो जो करेंगे हमको करना है। तो ये डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने इनके आने से पहले और इनको अंदर बैठाया, एम्बुलेंस वाले में ज़बरदस्ती बच्ची को लाश डाला, और फिर इनको ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में ढकेला। एम्बुलेंस में ढकेलने के बाद सरकारी दवाखाने में PM के लिए भेजा। अभी क्या डिमांड है तुम्हारी? अभी सर हमारी डिमांड ये है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हमारे भतीजे का इंतकाल हो गया, तो हम ऑब्जेक्शन चाहते सर इस पर। दरअसल सुफियान को एक बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिसके इलाज के लिए सुफियान को बुल्ढाणा के भौटे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आम पर महज एक्सरे निकाला गया, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि मामूली सी चोट है, लेकिन कुछ ही देर बाद सुफियान की हालत खराब हो गई। आनंद फानन में डॉक्टर ने सुफियान के घर वालों को सरकारी अस्पताल ले जाने कहा, जहां उन्हें पता चला कि सुफियान की मौत हो गई है। बोलो, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, हमने धाड़ को ले गए, धाड़ से इसके मोर्चा को ले गए, मोर्चा ने इसकी चिट्ठी दी, ने हमने 11:30 बजे निकाला है, 12 बजे से ने ट्रीटमेंट चालू करा, बोले फसल में मारे, बोले हो जाए अच्छा, वो ऐसा बोला ना, फिर हम कम लड़का पलंग पर एडमिट कर दिया ना, पलंग पर से फिर बाद में डायरेक्ट एडमिट करने के बाद में बोलो लाल संगी, लड़के का नाम शेख सुल्तान शेख सादी, उसके अब नाम है शिखा, उसका एक्सीडेंट हुआ, हमने धार को ले गए, भूटे डॉक्टर गया, उसने ट्रीटमेंट करा, बोलते हो इसके वहाँ जाने भूटे को, उन्हें चिट्ठी लिख के दी, हमने भूटे को वहाँ लाए, इन्हें उसको देखा, इसके सोनोग्राफी करे, बोले फैसली को। शेख सुफियान शेख सादिक 10 वर्षाचा मुलगा होता, हा संध्याकाळी आज 14:06:08 संध्याकाळी 7:20 आला होता, म्हणजे हा पेशंट जेव्हा आला तेव्हाच ब्रॉड डेड होता, आणि त्याचं आम्ही तसं हे करून फाईल बनवली होती ब्रॉड डेड म्हणून, आणि त्याचं जे कॉज ऑफ डेथ आहे ते उद्या PM केल्यानंतर, म्हणजे PM झाल्यानंतर लक्षात येईल। इस घटना की शिकायत के लिए जब घरवाले पुलिस थाने पहुंचे, तो बुढ़ाना के थानेदार ने घर वालों को अपशब्द कहकर भगा दिया, साथ ही उनके साथ के लोगों पर लाठियां बरसाई। ऐसे आरोप सुफियान के घर वालों का है। जाने के पश्चात उसके रिश्तेदार, हमदर्दी रखने वाले सब लोग उचित न्याय के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और जाने के बाद उनका कहना, उनकी तकरार क्या है ये सुनने के बजाय उन पर जो जुल्म होता है, ये बड़ा बदकिस्मत वाकया कल बुल्ढाणा पुलिस स्टेशन के दरम्यान यहाँ पर जो हुआ है, मैं कड़े शब्दों में उसकी आलोचना करता हूँ। और जो शख्स वहाँ पर थानेदार की कुर्सी पर बैठा है, जिसको बातचीत करने का ढंग नहीं है, जिसको सिचुएशन किस तरह से हैंडल करना चाहिए उसका, उस जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है, और चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देने वाली उनकी जो चाल चलन है वो कतई जैसा नहीं है। उनकी बोलचाल में उन्होंने जो राजनीतिक अभिनिवेश दिखाया, और कुछ समाज के बारे में जो उन्होंने जो अनुद्गार निकाले, उनकी मैं फिर से एक बार कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारे साथी रिजवान सौदागर जी जो बैठे हुए हैं, वो कल से मैं उनके साथ टच में हूँ, उन्होंने जो भूमिका ली है मैं पूरी तरीके से उनके साथ में हूँ, और पुलिस प्रशासन ने इस पर तुरंत कार्रवाई करके जाए ये हमारी मांग। डालसंगी गांव के अंदर एक बच्चे का सुफियान का एक्सीडेंट होने के बाद में उसको यहाँ के होटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दवाखाने में एडमिट करने के बाद में 4 बजे तक उसकी तबीयत अच्छी थी, लेकिन 4 बजे के बाद में अचानक ही उसका इंतकाल हो गया। डॉक्टर भौटे और उनके जो वहाँ के हॉस्पिटल के लोगों ने परस्पर एम्बुलेंस बुलाकर वो बच्चे को यहाँ PM के लिए भेज दिए, लेकिन उनके माँ बाप को उसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई।
जब उनके माँ बाप को पता चला कि वो बच्चे का इंतकाल हो गया तो उन्होंने उसको जवाब पूछे, लेकिन उस पर से वहाँ का जो हॉस्पिटल प्रशासन था उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। उसकी तकरार लेके वो बुलाना शहर पुलिस स्टेशन को आए, जहाँ पर थानेदार यू के यादव साहब के पास में उन्होंने तकरार दी। पहली तकरार देने के बाद में उन्होंने उनके ऊपर 304 कुछ एक्सीडेंट का केस दाखिल करे, और जब डॉक्टर जी दिए तो उसके बाद चौकसी पर पड़कर रखने का बताया गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने भी उनसे वही बात किया। बात करने के बाद में उन्होंने बोले कि आप एफ आई आर की कॉपी लेके जाओगे। एफ आई आर की कॉपी के लिए जब हम रुके तो उतनी देर में यू के यादव बाहर गए, और जब बाहर से वापस आए तो आते से उन्होंने वहाँ पर जो लोग तकरार देते थे, जो उसके पिताजी थे लड़के के जो तकरार देने वाले थे, उसको भी मार ठोक करे। जो लोग आसपास में खड़े हुए थे उनको भी मार ठोक करे। साले पूरे मुसलमान आतंकवादी यहाँ कैसे क्या घुस गए करके ऐसा बोल के डायरेक्ट हमला करके जो भी वहाँ था बूढ़े बच्चे जो भी थे, वो जो अपंग व्यक्ति थे उनको मार ठोक करे कर उन्होंने आए। और मुझे जब मैंने उनको बोला कि सर मार ठोक मत करो करके, तो उन्होंने वहाँ रिवॉल्वर निकाल के मुझे बोला कि मेरे टेंशन से मंत्री लोग मरे गए तो तू क्या चीज़ है कर, यहाँ से चले जाने तो तेको भी गोली मार दूँगा। लोक प्रतिनिधि के सामने कोई लोक प्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है ये लोग, और इससे जो कायदा सुव्यवस्था की जो ये है ये धोखे में आ गई है, और इंसानियत के नाम पर ये धब्बा है। और यू के यादव की के खिलाफ जो तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके साथ में जो नागलोत पी आई पी आई ए पी आई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई है, और जो तीन कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बुढ़ाना से वसीम शेख के साथ तृप्ति निम्बुलकर की रिपोर्ट।